हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएचएसएल 11 मार्च 2018 को जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जीए से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, और साथ ही साथ आपको बता दें जो जीए के क्वेश्चन है कुछ फर्स्ट शिफ्ट से मिलते जुलते ही टॉपिक्स पूछे गए। तो आइए गाइस हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप वो क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन जो सेकेंड शिफ्ट में देखा गया बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी आपने बतानी थी, मास गिवन था, वेलोसिटी गिवन था। देखिए, दो वेरिएबल दे रखे हैं, मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। मास और जो वैल्यू निकालनी थी वो आपने निकालनी थी काइनेटिक एनर्जी की, गतिज ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जस्ट आपने मास और वेलोसिटी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी थी, आपका आंसर आ जाएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट शिफ्ट के लिए हम क्वेश्चन आपको बता दें, एक होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हमारे पास होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम ई से भी डिनोट कर सकते हैं, और उसका जो फॉर्मूला है वो होता है एम जी एच, वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो अगर आपको दो वेरिएबल मास और हाइट अगर गिवन हो, तब आपसे अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला पता है जो कि होता है एम जी एच। तो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो पूछा गया, हु डिजाइन फ्लैग ऑफ बांग्लादेश। पहले एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था बांग्लादेश फ्लैग से रिलेटेड, कि उसका जो रेशियो होता है रेक्टेंगल का, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है। बट इस शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आज पूछा गया किसने डिजाइन किया बांग्लादेश का फ्लैग। तो गाइज उसका आंसर होगा कुमरुल हसन। और गाइज आपको ये भी बता दे कि जो प्रोपोर्शन होता है लेंथ और ब्रेथ का, वो 3:5 भी हम कह सकते हैं, या फिर इसका अगर हम डबल कर दें 6:10 भी हम इसे बोल सकते हैं। तो डिजाइन किसने किया, कुमरुल हसन हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए प्लानट विद ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ। अगर जो अर्थ का मास है अगर हम उसे डबल कर दें, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या असर पड़ेगा। फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, ऑफ ए प्लानट विद ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के मास से अगर डबल मास कर दे तो जी की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा। तो गाइज आपको बता दें, जो स्मॉल जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो स्मॉल जी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड इन्वर्सली, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की। फिलहाल यहां पर रेडियस की बात नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं कि अगर हम मास डबल कर देते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो गाइज इसमें आंसर आएगा हमारे पास, अगर हम मास को डबल कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन इस टाइप से था, द मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। जो मुगल एम्पायर में है, मुगल एम्पायर जब था, मुगल शासन जो था, उसमें जो पेंटिंग जो कला है, पेंटिंग की कला, वो किसके काल में अपने चरम सीमा पर थी। तो गाइज चार ऑप्शन दे रखे थे, जहांगीर, बाबर, अकबर या शाहजहां। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा, पेंटिंग जो है सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दिया वो दिया जहांगीर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रीमियर लीग से एक रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा था, और जो करेक्ट है वो हमने बताना था। जैसे इस तरह से दे रखे होंगे, चले इस साल लिवरपूल, इसके कैप्टन हमने मैच करने थे, कौन सा कैप्टन मैच नहीं करता। तो हम आपको बता दें, इससे रिलेटेड कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जो लिवरपूल जो टीम है प्रीमियर लीग की, उसके जो कैप्टन है वो है जॉर्डन हेंडरसन। और कुछ और टीमों की अगर बात करें, चेलेसा जो यहाँ पर दे रखी है, उसके जो कैप्टन है गैरी चेल, और आपने बड़ा फेमस नाम सुना ही होगा ब्रूनो जो कौन सी टीम के कैप्टन है, वो है ब्राइटन एंड होव एबियन। तो इस तरह से क्वेश्चन भी देखे जा रहे हैं। तो आप इस तरह इनके भी, आप जो भी प्रीमियर लीग के टीम है, कुछ आप दो चार नाम अच्छे से करके जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेम क्वेश्चन है, सेम वेज फॉर मैन एंड वुमेन इन विच कंट्री, जो इक्वल पैसा दिया जाएगा मैन और वुमेन को, वो एक कानून बना दिया, वो हाल ही में किस कंट्री ने ऐसा बनाया? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा आइसलैंड इज द फर्स्ट कंट्री टू मेक इट इलीगल टू पे मैन मोर देन वुमेन। तो इसका मतलब यह होगा आइसलैंड ही ऐसा देश है जिसने मैन और वुमेन को सेम वेजेज के लिए यहाँ पर बताया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये है आइसलैंड का फ्लैग। और इस आइसलैंड एडिशनल अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें, इस आइसलैंड के फ्लैग को जो डिजाइन किया है वो किया है मैथियास पोर्सन। तो ये देख लीजिएगा, अगर फ्लैग से रिलेटेड अगर आता है तो आइसलैंड का फ्लैग किसने डिजाइन किया? मैथियास पोर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमने फर्स्ट शिफ्ट में आपको बताया था, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में सोडियम कार्बोनेट से रिलेटेड पूछा गया था, तो हमने उसी टाइम बोला था कि सोडियम बाइकार्बोनेट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो वही ऐसा सेकंड शिफ्ट में हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो दूसरा नाम है वो पूछा गया था। तो हमने पहले ही आपको पहली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको बता दिया था, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वॉशिंग सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो होता है बेकिंग सोडा। तो गाइज इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा। तो गाइज जितने और क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो धीरे धीरे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट करते जाते हैं। तो अगर फिलहाल आप थोड़ी देर बाद अगर जो डिस्क्रिप्शन है अगर वो देखें, कुछ ना कुछ आपको अपडेट उसमें जरूर मिलेगा। तो अगर इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगी है, तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।